हेलो एवरीवन, हल्ला नहीं करेंगे, सीधे काम पे बात करेंगे, क्योंकि अब मैंने हल्ला करना बंद कर दिया है। सेमेस्टर थर्ड पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके रहेंगे, ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। बेसिकली ये जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, मतलब चारों यूनिट को कम्प्रोमाइज़ करके आपके लिए बेस्ट 10 क्वेश्चन बताए गए हैं। और ये 10 क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब क्या है, ये 10 क्वेश्चन में जो आपको बताऊंगा ये वो नहीं है, ठीक है, कैसे नहीं है, क्योंकि ये इसमें पार्ट भी रहेंगे, तो वो अधिकतम क्वेश्चंस पहुंच जाएंगे। और मैं आपको बताऊंगा, आपने अपने सिलेबस में जो आपने कवर किया है तो वो किया है वेल एंड गुड। बाकी ये जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, आपने अगर अपने इन क्वेश्चंस को यहीं पर मेरे साथ में नोट कर लिए और पार्टिकुलर उन्हीं क्वेश्चंस को ही तैयार किया, मतलब उन्हीं क्वेश्चंस के ही आपने प्रॉपर नोट्स बना लिए, कंटेंट सर्च किया, पढ़ा, समझा, ठीक है, और जब आप पेपर हॉल में जाएंगे तो आपको मैं 10 क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, ठीक है, हालत किस्मत ख़राब होगी तो 2 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन फंसेगा ज़रूर, ठीक है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा और जो मैं चीज़ें बताऊँ उसको नोट करिएगा, ठीक है। बात अब ज़्यादा नहीं करेंगे, हम सीधे काम पर बात करेंगे और पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन हमारा क्या है नोट करिएगा, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है इकोलॉजी एंड इकोलॉजिकल, ठीक है, पहला क्वेश्चन आप नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं है, इकोलॉजी के रिगार्डिंग में है, ठीक है, इकोलॉजी एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस पे आपको क्या करना है, ब्रीफ नोट पूछ सकता है कि इसका एक ब्रीफ नोट हमको बताओ, इसके रिगार्डिंग में क्या पूछेगा आपका, इससे ब्रीफ नोट पूछेगा, ठीक है, जूलॉजी वाले बच्चे जिन लोग कुछ भी हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, ठीक है, आपको डिफाइन करना है क्या, अगर आपको ये पता है, हाँ, इकोसिस्टम क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपको तैयार कर लेना है। तैयार करना मतलब इस पर कितना कंटेंट आपको लिखना है पेपर के रिगार्डिंग में, और डायग्राम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे एनर्जी लेवल वाला, ठीक है, एनर्जी फ्लो वाला, वो भी ध्यान दीजिएगा, एनर्जी फ्लो, तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है। इस पर आपको लिखना आना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पेपर में, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, थर्ड क्वेश्चन नोट कर लीजिए, थर्ड क्वेश्चन आपका रहेगा पॉपुलेशन साइज के रिगार्डिंग में, क्या रहेगा, पॉपुलेशन साइज के रिगार्डिंग में, ठीक है, साइज एंड डेंसिटी, पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपका रहेगा। तो ये बेसिकली स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसको कवर कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। और एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि शॉर्ट नोट लिखो, किस पे लिखो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे लिखो, पहला क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये हो जाएगा, शॉर्ट नोट आपसे पूछेगा कि भैया एक शॉर्ट नोट हमको बता दो, किसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें पार्ट आपको दे देगा, ठीक है, करीबन 2 पार्ट दे देगा, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे पहला क्या है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे, ठीक है, आप इस पर पॉइंट पूछवा लेगा, जो एक हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था जो आया कब था, 1986 में, तो इस पर आप पे पूछ सकता है इन्वायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, तो ये वाला तैयार कर लीजिएगा। दूसरा आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट पे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, ग्रीन हाउस, ये तो आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये चीज़ें तैयार कर लीजिएगा, पहला वाला ये वाला ज़रूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक। अच्छा, 5वां क्वेश्चन देखिएगा, ब्रीफ नोट आपको लिखना है, इस पर एक ब्रीफ नोट तैयार कर लीजिएगा, किस पे आपको, किस पे तैयार करना है ब्रीफ नोट, नेशनल पार्क पे, एंड सेंचुरी, एंड सेंचुरी विद एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच,
ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ब्रीफ नोट किस पे लिखना है, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज विद एटलीस्ट टू एग्जाम्पल ऑफ इच, दोनों के कम से कम एक एक एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगला क्या है ब्रीफ नोट, क्वेश्चन नंबर छठा आपका ही हो जाएगा, किस पे ब्रीफ नोट बताना है, पहला किस पे ब्रीफ नोट लिखना है आपको, IUCN, जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये क्या है। वाइल्ड लाइफ अगला किस पे है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे। और ये पेपर बहुत आसान भी है, कठिन पेपर नहीं है, ये सिर्फ पढ़ने वाला पेपर और चीज़ों को याद रखने वाला पेपर है। थर्ड क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड, क्या है पिरामिड, ये तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करिए, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन क्या आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या हो जाएगा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर सेवन आएगा आपको, इंपॉर्टेंट साइकिल आपके सिलेबस में दे रखे हैं कितने, ठीक है, करीबन आपको दो साइकिल तैयार करने, कार्बन साइकिल एक नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। साइकिल्स में इंपॉर्टेंट साइकिल आपको कौन सा तैयार करना है, कम से कम पूरा सिलेबस में इतना जो मैं बता रहा हूँ, कम से कम इतना ही सिलेबस पढ़ लो ना, ये समझो आपका पूरा तैयार हो गया है, पूरा पेपर समझो, ठीक है। जब आप पेपर में जाओगे फिर हॉल में बैठोगे तो आपको यहीं से क्वेश्चन दिखेगा, और ये हिम्मत भी होती, बहुत हिम्मत लगती है यहाँ पे आके ये 10 क्वेश्चंस बताना पूरे सिलेबस में से। अच्छा, कुछ एडाप्टेशंस आपके दे रखी हैं सिलेबस में, जिनके आपको कुछ एग्जांपल तैयार करने, एक्वाटिक हो गया, ठीक है, टेरेस्ट्रियल हो गया, तो एक ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एडाप्टेशन से आपसे सवाल आ सकता है। इम्पोर्टेंट एडाप्टेशन तैयार कर लीजिएगा, पहला कौन सा, दो एडाप्टेशन तैयार कर लीजिए, एक जो हमारा एक्वेटिक है, एक्वेटिक है, दूसरा कौन सा है, जमीन पे टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन, ठीक है, ये तैयार कर लीजिए। 8 क्वेश्चन ही आपके हो गए, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है, ये नोट कर लीजिएगा सब, और इनको सब आपको तैयार करना है। इम्पोर्टेंट पोल्यूशंस पे तैयार करना है आपको, क्या करना है, इम्पोर्टेंट ये है, इम्पोर्टेंट पोल्यूशन कौन कौन से हैं, कौन कौन से होते हैं, बेसिकली एक हमारा है जो होता है अधिकतम AIR, दूसरा हमारा है रेडियो एक्टिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका, हाइड्रो, इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को, हाइड्रोजन ERE है एंड एक्सो एक्सरोसर, ठीक है, ये तैयार कर लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VIP, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट समझो उसको। ये 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं ये जूलॉजी सेमेस्टर 3rd के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको तैयार करने ही करने हैं, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ये आपको तैयार करना है, 6 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, ये 1 हो गया, तो ठीक है। इस सेशन में मैंने जो कुछ बताया सिर्फ काम की बात की, कुछ और बात नहीं की। अगर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है तो हमारे एलियोब्रेट ऐप से आप जूलॉजी में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 यूनिट की वीडियो क्लासेस मिलेंगी अच्छी तरीके से हमने पढ़ाया है, बाकी 2 यूनिट की नहीं है प्रोवाइड हो पाई है, उसका भी एक कारण है जो हमने बच्चों को बताया है, और हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको शेयर किए हुए हैं, प्लस मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए अच्छी तरीके से, सारी चीज़ें और ऑर्गेनाइज्ड वे में बच्चों को देने की पूरा कोशिश हमारा रहता है ना। कोई और डाउट आपका रह गया हो, किसी और पेपर के रिगार्डिंग में आपको पूछना हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप हमें बताइएगा, हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, बाय बाय। बढ़िया से एग्जाम की तैयारी करना है ना।